देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए मार्च में देश भर में घोषित किए गए लॉकडाउन के कारण पूरे रेलवे पहिए बंद किए गए थे। गत 5-6 माह की लंबी अवधि के बाद अनलॉक करने पर कुछ सुपरफास्ट ट्रेनें शुरू हो गई है एवं अब कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होना शुरू हुई है। फिर भी क्षेत्रीय यात्री ट्रेनें अभी तक शुरू नहीं हुई है, इससे श्रमिक वर्ग सहित आम जनता काफी प्रभावित हुई है। उनकी रोजी रोटी छिन गई है। इस कारण गोंदिया से नागपुर की ओर जाने वाली पैसेंजर लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग कांग्रेस के जिला महासचिव गौरी शंकर मोटघरे द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में कमी आने से छोटे बड़े उद्योग, दुकान, कंपनियां आदि के कार्यालय शुरू किए है, लेकिन रेलगाड़ी शुरू नहीं होने से भंडारा गोंदिया जिले के श्रमिक वर्ग के साथ ही आम आदमी नागपुर जैसे बड़े शहरों में काम के लिए नहीं जा सकते हैं। किसानों को अपनी सब्जियां गांव में ही बेचनी पड़ती है। यहां से प्रतिदिन हजारों लीटर दूध नागपुर भेजा जा रहा था। वर्तमान समय में जब पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, ऐसे में नागपुर से आने जाने के लिए निजी वाहन का उपयोग करना उनके बजट के बाहर का है। इस कारण मोटघरे ने तत्काल लोकल ट्रेन शुरू करवा कर लोगों को राहत दिलाने की मांग की है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।